हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज क्लास थ्री का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है योगा फॉर गुड हेल्थ सो चिल्ड्रन योगा से क्या मतलब है योगा हमारे कंट्री इंडिया का ही एक मेडिटेशन पावर है चिल्ड्रन एक्सरसाइज है जिसमें हम अलग अलग पोजेस माने कि अलग अलग बॉडी पोज़ेस के थ्रू अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं यस चिल्ड्रन आप सब योगा से बहुत ज्यादा फमीलियर होंगे आप सब योगा करते भी होंगे क्योंकि चिल्ड्रन योगा जो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं होता और आपकी हेल्थ रहती है बिल्कुल बिल्कुल नंबर वन यस अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और रहना है हमेशा हेल्दी, सो चिल्ड्रन योगा से बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि योगा के वो सारे पोजेस ऑफ एक्सरसाइज इतने हेल्पफुल हैं कि हर एक बॉडी पार्ट रहता है सेफ और सिक्योर और इसलिए चिल्ड्रन कहते हैं कि वी मस्ट डू योगा यू नो सो लेट एस स्टार्ट चैप्टर चिल्ड्रन योगा फॉर गुड हेल्थ क्योंकि हेल्थ तो हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज करने में मन नहीं लगेगा है ना? सो so, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम बीमार रहे हम हमेशा रहे हेल्दी, फिट और फाइन और उसको रखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है योगा और उसके एक्सरसाइजेस ओके चिल्ड्रेन लेट्स स्टार्ट चैप्टर योगा फॉर गुड हेल्थ ओके सो चिल्ड्रेन इन द पिक्चर वॉट यू कैन सी आप जैसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे कितने अच्छे से योगा कर रहे हैं और अलग अलग तरह के योगा पोजेज में है इजेंट इट चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी एक जो बच्चा है वो मेडिटेट कर रहा है ओके okay, दूसरा जो बच्चा है उसने अपने हैंड्स अप किए हैं तीसरे वाले ने भी मेडिटेशन करना है फोर्थ वाला है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है फिफ्थ वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट योगा पोज में है एंड द लास्ट वन यू कैन सी अगेन द चाइल्ड इज स्ट्रेचिंग द बॉडी सो चिल्ड्रन दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पोजेस ऑफ योगा जो हम सब करते हैं और हर एक आसन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम उस नाम से जानते हैं और हर एक आसन आपको आपकी हेल्थ को ठीक रखने में क्या होता है बढ़िया होता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज से छुटकारा चाहिए तो हम वो

पहले बहुत साल पहले इंडिया एंशेंट मतलब होता है पुराना सो so बहुत साल पहले से इंडिया में चिल्ड्रन योगा जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था तो कोई आज की बात नहीं है कि योगा आप लोगों को पता है तो सभी योगा कर रहे हैं सब पोजेज ले रहे हैं नो इट इज़ नॉट लाइक दैट जो योगा है चिल्ड्रन जो योगा नाम की एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी सालों से थी लेकिन अब जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है नाउ पीपल हैज़ एक्चुअली नो द बेनिफ benefits of doing yoga. योगा हेल्प्स इन मेडिटेशन एंड कीप्स अस हेल्दी सो चिल्ड्रन योगा हमें मेडिटेशन करने में मदद करता है मेडिटेशन मतलब जब आप बिल्कुल पीसफुली मेडिटेट करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं सो योगा इज़ द बेस्ट थिंग चिल्ड्रन इफ़ यू वांट टू डू द मेडिटेशन यस मेडिटेशन आपने देखा होगा जब हम पैरों को क्रॉस करके चिल्ड्रेन हाथों को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के और अपने अपनी आईज क्लोज करके बिल्कुल शांति से बैठते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ राइट उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं सोचते हमारा सेंटर में दिमाग रहता है एंड वी ओनली थिंक अबाउट आर माइंड एंड द पीसफुलनेस ऑफ माइंड दिस इज नोन एज मेडिटेशन चिल्ड्रन सो जब मेडिटेशन होती है चिल्ड्रन अगर आपको अच्छे से करना है तो योगा आपको बहुत अच्छे से मदद करता है प्रॉपरली मेडिटेट करने में ओके और मेडिटेशन से बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती, children, जब इतनी ज्यादा शोर गुल, हो तो मेडिटेशन करने को अगर मिल जाए, तो आप आप खुद सोचो कितना करोगे, और हमें healthy रखते हैं। इसलिए कहा जाता है योगा करो मेडिटेशन करो और अपने आप को स्वस्थ रखो ओके योगा इज प्रैक्टिस वर्ल्ड सो चिल्ड्रेन क्या मैंने बताया था कि जो योगा है जो हम योगा कर रहे हैं जो आजकल हर जगह हर तरफ आपको योगा योगा और उसके बेनिफिट सुनाई देते हैं ये हमारी ही कंट्री का क्या है प्रोडक्शन है मतलब हमारी कंट्री ने ही इसे डिस्कवर किया था और काफ़ी सालों से योगा हमारी कंट्री में फेमस है लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस अब हाल फिलहाल जाकर हुई है लेकिन चिल्ड्रन आज की डेट में ना ही सिर्फ इंडिया में इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं चिल्ड्रन एवरी वन इज सो फाउंड ऑफ डूइंग योगा यस योगा हैज बिकम सो फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आज कल लोग योगा में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर गोइंग टू द जिम एंड डूइंग द एक्सरसाइजिस क्योंकि योगा आपको हेल्थ के साथ साथ आपको मन की शांति भी देता है पीसफुल फुलनेस देता है और बहुत सारे ऐसे उसमें पोजेज होते हैं जिससे आप एक एक चीज बॉडी पार्ट का ठीक कर सकते हैं यस एंड दैट इज वाई योगा हैज बिकम वेरी मच फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 21st June is observed as World Yoga Day. So children, आपको ये ध्यान रखना है कि 21st June, this 21st June पूरी दुनिया में क्या रखा जाता है वर्ल्ड योगा डे पूरी दुनिया पूरी दुनिया के लोग ट्वेंटी फर्स्ट जून को चिल्ड्रन योगा दिवस बनाते हैं सब लोग हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी सब लोग ट्वेंटी फर्स्ट जून को ऑब्जर्व करते हैं योगा दिवस और सभी लोग योगा करते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम योगा करेंगे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट योगा करेंगे तो हमारी बॉडी रहेगी हेल्दी और हम सुरक्षित रहेंगे सेफ रहेंगे ओके सो याद रखना है ट्वेंटी फर्स्ट जून एवरी ईयर चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑब्जर्व्ड योगा डे ओके, okay? सो so, से जब ही ट्वेंटी फर्स्ट जून आएगा आप सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि आप सभी योगा करेंगे और क्यों एक ही दिन हमें तो हर दिन करना चाहिए क्योंकि योगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आगे मैं आपको पोजेज भी बताऊँगी अलग अलग का और उसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी तब आपको पता चलेगा कि यस योगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लो भाई हमें तो पता ही नहीं था कि योगा हमारे देश की ही पैदाइशी है हमारे देश ने ही बनाया है और हम फिर योगा क्यों नहीं करेंगे एवरी वन विल डू योगा चिल्ड्रन अगर हम सभी को अच्छा रहना है हेल्दी रहना है सही रहना है खुश रहना है तो हम सभी को योगा करते रहना चाहिए ओके नाउ चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट पोजेज ऑफ योगा दे रहा डिफरेंट आसन ऑफ योगा कुछ आपको पहले से पता होगा क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं मालूम है तो आज मैं आपको फ्यू पोजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी ओके ना द फर्स्ट इज तड़ासन ओके नाम थोड़े थोड़े इसके डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि अफकोर्स ये हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो नाम में भी थोड़ा हिंदी टच रहेगा बट चिल्ड्रन योगा हमारी कंट्री इंडिया का ही है एंड दैट इज वाई द आसन नेम आर गिवन इन हिंदी ओनली एंड द फर्स्ट आसन इज तड़ासन ओके सो चिल्ड्रन तड़ासन कैसे किया जाता है यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दिस गर्ल इज अपलिफ्टिंग

मस्ट डू दिस योगा यस ये जो योगा का आसन है जिसका नाम है तड़ासन ये हाइट को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है इट हेल्पस इन इंक्रीजिंग द हाइट एज वेल एज रिड्यूसिंग फैट चर्बी घटाने में कैलोरीज बर्न करने में तड़ासन मदद करते हैं सुबह सुबह आपको क्या करना है तड़ासन करना है इससे क्या होगा आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा होता है ना कि आप डाइजेशन आपका सही नहीं है सुबह वॉशरूम में जा रहे हैं तो आप क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कुछ मन नहीं लग रहा है बुझा बुझा सा मन है स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो चिल्ड्रन You must start doing this आसन, This asan. is known as tadasan. करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा आपकी फैट भी खत्म हो जाएगी आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और फिर आप जल्दी जल्दी लंबे भी होते चले जाओगे So this is the first asan जिसका नाम है तड़ासन Okay, now नेक्स्ट आसन नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी दिस लेडी व्हाट इज शी डूइंग इसने पूरा अपने बॉडी को आगे बेंड कर लिया है और अपने हैंड से शी इज टचिंग हर फीट यस जितना देखने में आसान लग रहा है करने बैठेंगे तो होगा नहीं क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी आगे की तरह तरफ मुड़ी हुई है एंड दैट मींस द यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी इतने आसानी से हाथ पैरों को टच कर पाएंगे क्या करके देखो इट इज नॉट पॉसिबल ओके इतने आसानी से नहीं बट yes, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये वाला पोज भी आराम से कर लेंगे बट क्या नाम है इसका सो so, चिल्ड्रन इसका नाम है पश्चिमोतन आसन ओके okay? थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ नाम को देखोगे और नाम के साथ इन पिक्चर्स को कनेक्ट करोगे तो आराम से बता लोगे कि ये कौन सा आसन है और इसे कैसे, कैसे किया जाता है ओके सो दिस ज पश्चिमोतना आसन मेक्स द स्पाइन इलास्टिक यस जैसे मैंने बोला कि इस तरह के आसन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इलास्टिसिटी अच्छे से खिंचाव चाहिए तो so, चिल्ड्रन ये वाला जो आसन है इससे आपकी जो स्पाइन होती है जो कि हमारे बैकबोन में रहती है वो इलास्टिक होती है माने खिंचती है और जितनी खिंचेगी आपके जो मसल्स होंगे वो क्या होंगे अच्छे से मूव कर पाएंगे इट मेक्स द वेस्ट स्लिम एंड स्टडी और चिल्ड्रन आपकी कमर जो होती है वो बढ़िया रहती है स्लिम रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है स्टडी रहती है ओके सो दिस आसन इज नोन एज पश्चिमामोतन आसन एंड इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग द स्पाइन इलास्टिक सो वंस अगेन पश्चिम पश्चिमोत आसन ओके नाउ द थर्ड आसन थर्ड आसन का नाम है चिल्ड्रन सुखासना ओके, okay? द नाम बहुत ही सिंपल है सुखासना और आप पिक्चर में देख सकते हैं हाउ द सुखासना प्रैक्टिस्ड कुछ नहीं करना है पालथी मार के बैठ जाना है अपने हाथों को अपने नीज पे रखना है एंड देन स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ एंड टेक इट आउट ओके सो सुखासना क्या करता है हेल्प्स इन मेडिटेशन ओके मेडिटेट करने में चिल्ड्रन मदद करता है सुखासन ओके okay? और नींद आने लगती है या फिर आपको कोई कार्टून मूवीज याद आ जाती है सो अगर याद आ जाती है तो आप जल्दी से सुखासना करना शुरू कर दीजिए इससे बढ़ेगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन और आप कर पाएंगे ध्यान से पढ़ाई क्योंकि इट इंप्रूव्स योर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल इन मेडिटेशन ओके सो दिस आसन इज नोन एज सुखासन ओके नाउ सन इज दिस नाउ द नेक्स्ट आसन इज चिल्ड्रेन वज्रासन ओके वज्रासन में आप देख सकते हैं दट इज शी डूंगीटिंग ऑन हर नीज उसने अपने पैरों को बेंट कर लिया है और चिल्ड्रन शी हैजेक द सपोर्ट ऑफ हर नीज ऑन द फ्लोर एंड शी हेज मेड कैप्ट हर बॉडी वेरी स्ट्रेट राइट इस वाले आसन को कहते हैं हम वज्रासन और वज्रासन क्या करता है वज्रासन में यू कीप द बैक स्ट्रेट यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट जो हमारी बॉडी का बैक पोर्शन होता है उसको ये नहीं कि आपको बेंट करके बैठना है ऐसे पोजीशन में आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड चिल्ड्रन ये जो वज्रासन होता है ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत सही है इट हेल्प्स इन ब्लोटिंग एज़ वेल एज़ इन डाइजेस्टिंग द फूड ओके तो आपको यही सजेस्ट किया जाएगा खाना खाने के बाद आप फाइव मिनट्स के लिए इस वाले आसन में बैठ जाया करिए इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और आपका मन हर चीज में लगेगा सो so, दिस आसन इज नोन एज वज्रासन ऑल राइट नाउ सन so, अब आप पिक्चर में भी देखो तो ये कैसा है ये पूरे होल चक्र चक्र जैसे बनी हुई है ना शी हेज केप्टर बॉडी शी हेज बेंट हर बॉडी इन दिक्कत फॉर्म ऑफ चक्र एंड दैट इज़ इज़ व्हाई दिस आसन चक्रासन चक्रासन द एब्डोमिनल मसल्स चिल्ड्रन जो चक्रासन होता है ये आपके एब्डोमिनल माने पेट के मसल्स को स्ट्रेंदन करता है मजबूत बनाता है ओके okay? और शोल्डर्स आर्म्स एंड लेग्स और एब्डोमिनल मसल्स के साथ साथ आपके शोल्डर्स आर्म्स और लेग्स को भी स्ट्रेंथन करता है ओके सो इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर मसल्स कौन कौन से मसल्स अबडोमिनल मसल्स लेग मसल्स आर्म्स मसल और कौन से मसल एंड योर शोल्डर्स ओके क्योंकि पूरा जो भार आप देख रहे हो दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन योर शोल्डर्स एंड दैट इज वाई ये सारे मसल्स क्या हो रहे हैं स्ट्रेंथन हो रहे हैं माने के स्ट्रोंग हो रहे हैं तो चिल्ड्रन अगर आप ये वाला आसन करते हो तो आप इसके साथ बहुत सारे फायदे उठा सकते हो आप अपने हेल्थ को स्ट्रांग कर सकते आप अपने हैंड्स को स्ट्रांग कर सकते हो आप अपने लेग्स को स्ट्रांग कर सकते हो आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रांग कर सकते हो और आप अपने पेट की मसल्स को भी स्ट्रांग कर सकते हो एंड दैट इज वाई दिस इज अ बिट टफ आसन चिल्ड्रन बट वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दिस आसन इज नोन एज चक्रासन ओके दिस इज चक्रासन चिल्ड्रन सो दिस वॉज योर योगा एंड योगा पोजेज ओके बहुत सारे पोजेज मैंने बता दिए हैं और काफी ज्यादा हेल्पफुल पोजेज बताए हैं सो चिल्ड्रन यू मस्ट ट्राई दीज पोजेज एंड यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे इफ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी क्योंकि अगर आप योगा करते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और हमेशा अपने आप को हेल्दी और खुश फील करेंगे ओके चिल्ड्रन सो दिस वॉज द चैप्टर योगा फॉर गुड हेल्थ क्योंकि क्योंकि हेल्थ तो बहुत ज्यादा जरूरी है अब एक एक इंफॉर्मेशन की अगर आपको मैग्नेट ब्रेन के वीडियोस देखने होते हैं जाना है गूगल क्रोम पे लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडिया नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगे चिल्ड्रेन क्लासेस नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास टू क्लिक क्लास टू और आपके सारे यहाँ पे subject, teachers, विद्या सब्जेक्ट टीचर्स विद ये सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको वॉच नाउ बटन दबाना है उसके बाद आपके सारे चैप्टर रिलेटेड वीडियोस आपको दिखने लगेंगे अब आपको कोई भी अगर वीडियो देखना है क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट ओके So ये था आपका चाप योगा फॉर गुड हेल्थ नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर माने कि योगा फॉर गुड हेल्थ की करेंगे एक्सरसाइज तब तक के लिए जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन के साथ क्योंकि मैग्नेट ब्रेन देता है फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस। थैंक यू ओ भैया ने ना